हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे आईपी कैमरा कैसे यूज करना है और वाईफाई से कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो भी बताएंगे इसमें। इसके इस बॉक्स में एक ये आईपी कैमरा आ जाता है, इसके साथ एक एडाप्टर है और एक यूएसबी केबल है, और इसके पीछे जो ये हैंग करने के लिए लगाना है वो है इसको, और इसके साथ में स्क्रू है और एक रीसेट पिन है। और इसमें यूजर मैनुअल आ जाएंगे और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, अगर यूज करने में कोई दिक्कत होती तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ऑर्डर करनी हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। और ये यूजर मैनुअल है, इसमें भी देख के कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बता दूंगा तो आपको इस यूजर मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस फिल्म को चाहे तो उतार सकते हैं इस वहाँ से, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट दे रखा और ये रीसेट होल है। इस तरह के पिन आएंगे बॉक्स में, जो ये सिम इजेक्टर होते हैं इसके अंदर रीसेट बटन है, ये सुन सकते हैं इसमें आवाज़ आती है, बटन है, इसको प्रेस करके रखना होता है। अगर बाय चांस अगर कोई दिक्कत आती है कैमरा में सेटिंग करने में तो रीसेट करना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहले तो हम इस चार्जर से कनेक्ट कर लेते हैं इसको, और ये ब्रैकेट है जो कि स्क्रू लगा के दीवार पे लगा सकते हैं या फिर छत में लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा के वहाँ पे फिक्स कर दीजिए और इस कैमरे को उसके ऊपर रख के घुमा दीजिए, ये लॉक हो जाएगी इसके अंदर। अब हम कैमरे को पावर से कनेक्ट कर रहे हैं, और इसमें नाइट विजन भी है, ये देख सकते हैं। और जब तक कैमरा ऑन हो रही है तब तक हम एक V380 Pro ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे फ़ोन में तो डाउनलोड है ही, आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाके मिल जाएगी आपको V380 Pro। ये देखिए, ये मेरे फ़ोन में डाउनलोड है। पहले अपने फ़ोन के वाईफाई सेटिंग में जाइए, वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद ये कैमरा का आईडी है, हॉटस्पॉट आईडी, ये MB, इस कैमरे का MB करके आते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं आगे, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए कनेक्टेड हो गया। अब अपना ऐप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद रीड एंड एग्री करके ओके करनी है, गेट स्टार्टेड, आप चाहे तो आप इसमें पहले से अगर आपके अकाउंट है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर करना चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं करना है तो ट्राई विदाउट एन अकाउंट पर क्लिक करके आप कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू। अब स्क्रीन को सीधा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, ये देखिए कैमरा आ गया यहाँ पे, इसको ऐड डिवाइस करेंगे, ये आ गया स्क्रीन पे, प्ले करेंगे, सेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड सेट करना, जो भी पासवर्ड रखनी हो आप चाहे तो, इसमें डिफ़ॉल्ट नेम आ रही है एडमिन, आप चाहे तो नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं या फिर जो भी चाहे आप रख सकते हैं। तो इसमें पासवर्ड 8 करेक्टर का रखना होता है, नंबर और स्पेशल करेक्टर और वर्ड के साथ में। मैं अभी सिंपल पासवर्ड डाल रहा हूँ, admin@123।
दोनों में सेम रखना है, admin1 2 3, सॉरी @1 2 3, और इसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये देख सकते हैं कैमरा अभी चल रहा है, ये वाईफाई से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, और यहाँ से कैमरा को लेफ्ट और राइट कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, घुमा सकते हैं, ये स्क्रीन की तरफ दिखा रहा है इसमें। और वाईफाई से कॉन्फ़िगर करने के लिए बैक कीजिए, बैक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं राउंड सर्कल में, इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग के अंदर जाएंगे, और ये नेटवर्क नेटवर्क में जाएंगे, अभी तो कैमरा का वाईफाई दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये स्टेशन वाईफाई स्टेशन मोड पे क्लिक करना है, ये वाला सर, ये वाला, इसको ऑन करेंगे। अब जो भी आपका वाईफाई होगा यहाँ पे शो करेगा, इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट सेलेक्ट वाईफाई, इस पर क्लिक करेंगे, आपके जो भी वाईफाई होगा और नियर बाय में जो भी आएगा वो सारा शो कर जाएगा, तो जो आपका हो तो उसको कनेक्ट कीजिएगा और इसमें पासवर्ड डाल लीजिएगा जो आपके घर के वाईफाई का होगा, जिस वाईफाई से कॉन्फ़िगर कर रहे हो उस वाईफाई का पासवर्ड डालिएगा। अभी मैं एक सेकेंड पासवर्ड डाल लेता हूँ, मैंने पासवर्ड डाल लिया है, पासवर्ड डालने के बाद सेव कर लीजिए, और कैमरा में अभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोल रहे, इसमें अभी ये रिबूट हो रहा है, जैसे कन्फर्मेशन वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी डन, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं ये प्ले करके देखते हैं इसमें ऑन हो गया, ये देख सकते हैं अभी वीडियो प्ले हो गया, अभी ये कैमरा के वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, ये हमारे वाईफाई से कनेक्ट है ADN4G, ये अब इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, आप कहीं पे भी जाके अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन कीजिए, कहीं से भी देख सकते हैं आप इसको। ये स्क्रीन का आ रहा है इसलिए ऐसे वीडियो आ रही है, अब कीबोर्ड का देखिए, देख सकते फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं आप इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्प मिली हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है जो स्पाई कैमरा IP कैमरा कैसे यूज होता है उसके लिए, और हमारे जो पहले नंबर जो दिखाए थे हमने उस नंबर पे आप अगर आपको इस ये कैमरे की ज़रूरत है तो चाहे तो आप ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सएप पे ऑन कॉल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।